नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त दिल्ली ट्रॉफी खेली जा रही है। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। इसी दौरान मध्य क्षेत्र के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के साथ एक जबरदस्त घटना हो गई। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो लाइव मैच के दौरान वेंकटेश अय्यर को गेंद इतनी तेज लगी कि एम्बुलेंस को लाइव मैच के दौरान बुलाना पड़ा। दरअसल वेंकटेश अय्यर जब मध्य क्षेत्र की तरफ से बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के गेंदबाज चिंतन गजा की पहली गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंदबाज चिंतन गजा ने उस गेंद को पकड़ा और सीधा विकेट की ओर थ्रो किया। गेंद विकेट को न लग करके वेंकटेश अय्यर को लगी और उनके गर्दन और साथ ही कंधे के बीच वाले हिस्से में जोरदार गेंद लगी। वेंकटेश अय्यर को गेंद इतनी तेज लगी कि वेंकटेश अय्यर मैदान पर ही गिर पड़े। इसके बाद सभी खिलाड़ी उनके आसपास भाग करके आए और उनके मेडिकल टीम को भी बुलाया गया। और साथ ही इसके बाद चोट इतनी तेज थी कि वेंकटेश अय्यर के लिए लाइव मैच के दौरान ही एम्बुलेंस को मैदान पर आना पड़ा। इसके बाद स्ट्रेचर को भी बाहर निकाला गया, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने पैदल चलकर के मैदान से बाहर का रास्ता तय किया और इसके बाद वह बल्लेबाजी करने वापस लौटे। लेकिन अय्यर इसके बाद केवल 14 रन ही बना सके और आउट हो गए। आपको बता दें कि जब फील्डिंग की बारी आई तब सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को फील्डिंग के लिए बुलाया गया और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी ने फील्डिंग की। लेकिन अब वेंकटेश अय्यर की चोट को लेकर चिंता जताई जा रही है और मेडिकल टीम लगातार उनके संपर्क में है। दरअसल वेंकटेश अय्यर के बारे में आपको जानकारी दें तो आईपीएल 2021 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कोलकाता की तरफ से खेलते हुए उन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। इसके बाद टीम इंडिया के लिए उनका रास्ता खुला और टीम के अंदर वो शामिल किए गए। हार्दिक पांड्या का एक बड़ा सब्स्टिट्यूट था वेंकटेश अय्यर को देखा गया कि हार्दिक पांड्या लगातार चोटिल हो रही थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर जब आउट ऑफ फॉर्म गए और हार्दिक पांड्या इन फॉर्म आए तब वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। हालांकि वेंकटेश अय्यर लगातार टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, टूर्स में शामिल होते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें जगह अब मिलना ना के बराबर हो गया है। लेकिन वेंकटेश अय्यर दिलीप ट्रॉफी इस वक्त खेल रहे हैं और मध्य क्षेत्र की तरफ से खेलते हुए गेंदबाज की गेंद उन्हें इतनी तेज लगी कि वो मैदान पर गिर गए, बेहोश हो गए और इसके बाद उन्हें मेडिकल टीम ने संपर्क किया, एम्बुलेंस को मैदान पर बुलाया गया और स्ट्रेचर को निकाला गया। लेकिन वेंकटेश अय्यर खुद पैदल चलकर बाहर गए और वापस बल्लेबाजी भी करने हैं। उनकी चोट को लेकर लगातार मेडिकल टीम उनके संपर्क में है और कितनी गंभीर चोट है इसकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। लगातार आपको अपडेट जरूर देंगे, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।